गोविंद नगर पुलिस ने चांदी लूट का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक महिला व 4 पुरुष शामिल है। वहीं पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से लूट की गई चांदी 100% बरामद कर ली गई है। आपको बता दें कि मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र स्थित महेश्वरी हॉस्पिटल के समीप चांदी लूट का पर्दाफाश किया है। इस घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र स्थित महेश्वरी के सभी अज्ञात बदमाशों द्वारा चांदी लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया था, जहां पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई थी और पुलिस ने घटना के 2 दिन बाद ही लूट करने वाले आरोपियों को लूट कर ले जाई गई चांदी सहित गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। लूट के दौरान घटना में प्रयुक्त अवैध असला व कार भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल पुलिस द्वारा पकड़े गए सभी आरोपियों को विधिवत कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जा रहा है। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। जी सर, क्या सफलता मिली है? ये थाना गोविंद नगर के द्वारा और स्वाट टीम और एसएसजी टीम प्रभारी और जो पूरी टीम है सीओ सिटी के नेतृत्व में, ये जो 28 तारीख को गोविंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो माहेश्वरी हॉस्पिटल है वहाँ पर एक चांदी की लूट हुई थी, और जिसके अंतर्गत जो 2 व्यक्ति जो वादी के कारखाने में काम करते हैं, अपना जो सामान है कारखाने से जो अपना कोतवाली क्षेत्र में जब ला रहे थे, तो उसी दौरान एंडेवर जो गाड़ी थी उससे कुछ लोग आए थे और उनको रोक कर उनके साथ हाथापाई कर और वो लूट कर ले गए थे। तुरंत से वादी के दी हुई तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था, मौका मुआयना किया गया था, सारे सीसीटीवी वगैरह लिए गए थे और हमारी सर्विलांस टीम, एसओजी, शॉर्ट टीम और थाने की टीम तुरंत लगा दी गई थी। उसी क्रम में जो पता चला और उसी क्रम में जो टीम जो हमारी टीमें लगी हुई थी उन्होंने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मन्नू मंजीत सागर है जो कि एक हार्डकोर क्रिमिनल है और ये वृंदावन का रहने वाला है। उसके अलावा एक धर्मेंद्र है, नीरज वर्मा है और गौरव तोता है, श्रीमती मंजू पत्नी धर्मेंद्र है। इसमें जो मैन जिन्होंने रेकी और मुखबिरी की थी वो नीरज और गौरव तोता है। ये नीरज और गौरव ये दोनों ही जो वादी है उसके कारखाने में काम करते थे, जिसमें गौरव अभी भी कार्यरत था और नीरज है उसको दिवाली के टाइम पर कुछ बात होने पर कारखाने से बाहर निकाल दिया गया था। और जो नीरज और गौरव है, जो कि धर्मेंद्र जो कि एक वकील के यहाँ पे मुंशी है, उनकी पत्नी मंजू उसके रिश्तेदार हैं। उनकी जो लूट की योजना है ये पूरा धर्मेंद्र जो मुंशी है उन्हीं के घर पर बनाई गई थी, जिसमें कि गौरव द्वारा जिस दिन 28 तारीख को जो उनके 2 कर्मचारी अपनी स्कूटी पर जो आभूषण थे उनके चांदी के उनको लेकर जब जा रहे थे उसकी जानकारी नीरज को दी थी, और इन्हीं के नीरज के साथ ही एक जो अपराधी था वो जो कि पंकज था वो पंकज और इन दोनों ने उसको जो ये स्कूटी पर जा रहे थे उनका पीछा किया और जो एंडेवर में मन्नू था इनको बताया गया, उसी इन्हीं के द्वारा ये घटना को फिर कारित किया गया और ले जाया गया। इस तरीके से आपने देखा कि जो ये घटना है इसका 2 ही दिन के अंदर सफल अनावरण कर लिया गया है और इसमें पूरा 100% जो कि 85 किलोग्राम चांदी है उसकी बरामदगी की गई है, और ये टीम द्वारा एक बहुत ही अच्छा गुडवर्क किया गया है। इसके लिए टीम को उचित प्रशस्ति पत्र साथ ही साथ इनाम भी दिया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.